अभी हम सीधा उधर ही निकलते हैं, साइकिल हमारे सीधा इधर सब सबकी साइकिल उधर रेडी है और अभी हम सीधा जाएंगे। रियान भी अपना व्लॉग बना रहे हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो। शिवा 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 वो लोग सब लोग आगे चले गए। गाइस मैं क्या करूं, पता नहीं किधर गए, पर जो भी हो मुझे तो रास्ता पता है, मैं चले जाऊंगा। नो 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 नो, ये रहे हमारे सखी भाई। लोग आपको आगे ही मिलते हैं, सीधा आगे ही निकलते हैं हम लोग। बीच में रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा है, सीधा कभी और बीच में रिकॉर्ड। गाइस मेरे दोस्त लोग आगे भाग गए, वापस जाऊंगा उन लोगों के पास। गाड़ी इधर से देखते हुए पूरे तरीके से सीधा ही हम इधर निकल जाएंगे। ओ इधर काफी घना से ट्रैफिक आते हुए, इधर फिर हमें भी रुकना पड़ गया। ब्लॉग बनाते बनाते गाइस पीछे रह गया हमें। और ये गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, वेलकम। और ये रहा हमारा गेट जिधर से हम लोग आए थे, और इधर काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपको अभी एक एक करके हम सब दिखाएंगे। मेरा तबला, और ये रहा एक और से अलग अलग चीजें, पता नहीं लोग लगाएंगे अभी। और वो रहा एक झूला, ये रहा एक तबला, और बस हम लोग घूमे जा रहे हैं। बहुत बड़ा इधर गार्डन है, इन लोग इधर रुके कुछ अपनी बातें जीते कर बातचीत कर रहे हैं। मैं तो अपना आगे चलूंगा, मेरे को अपना वीडियो रिकॉर्ड करना। और मैं क्या बोलूं, स्केटबोर्ड करने जा रहे हैं गाइस। इन लोग स्केटबोर्ड भी लिए, स्केटबोर्ड बता करो तो बहुत अच्छा। ये देख सकते हो स्केटबोर्ड, रियान भाई का स्केटबोर्ड है, रियान भाई का स्केटबोर्ड है। हम लोग सब लोग अभी चलाएंगे थोड़ा चला के, सोलर पैनल का ये। और जब मैंने जो मसीद बंदर के ब्लॉग में जब मैंने एक सेल्फी स्टिक खरीदा था, वही सेल्फी स्टिक से अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सोलर पैनल है इसके ऊपर, रात जैसे रात हुई वैसे 4:30 बजे की एकदम कड़क धूप यहाँ पे मुंबई की तरफ पे आ रही है। और इतने बड़े जगह में मैं अकेला हूँ अभी। हेलो हेलो हेलो, मैं मेरी आवाज़ पूरी गूंज रही है, ये देखो मैं किधर वापस चलेगा। मैंने जिधर बोला ना रास्ता है, ये रास्ता इधर है और मैं इधर से इधर आया हूँ। और अभी मैं चप्पल चलने की भी आवाज़ आ रही है, चप्पलों के चलने की भी आवाज़ आ रही है इधर, अगर ज़्यादा जोर से अगर पैर रखूँगा तो। और इधर लाइट्स भी है, और अब मैं यहाँ से बाहर आ चुका हूँ, और अब जाकर मेरी आवाज़ जो है डिस्टॉर्ट नहीं हो रही है, एकदम सही से आपकी तरफ जा रही होगी। और ये रहे हमारे तबला। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक है, प्लास्टिक है या फिर वुड है पता नहीं, वुड है वुड है। और ये जानवर किधर नहीं मिल सकते आप बताओ दोस्तों, मुंबई में हर जगह जानवर आपको मिलेंगे। ये जगह देखो माय लॉर्ड, ये जगह देखो कोकिला बेन अंबानी वाला हॉस्पिटल कहाँ गया, यही तो है मैं किसे ढूंढ रहा हूँ। उधर भी काफ़ी सारी बिल्डिंग है, बन रही है ये, इधर काफ़ी सारी बिल्डिंग है, उधर भी एक जगह है जिधर हमारी शायद से वॉइस वापस डिस्टॉर्ट होगी, मतलब गूंजेगी उधर। और देखो ये वाली जगह मस्त लग रही, जिसके अंदर आवाज़ गूंज रही है, मस्त लग रहा है एकदम। अभी जो है मैं इस जगह के अंदर जाने वाला हूँ वापस, पता लगेगा कि आवाज़ किस तरीके से चेंज हो रही है, और मेरी आवाज़ वापस से चेंज हो चुकी होगी। इधर पूरी जो आवाज़ है ना वह ये गूंज गूंज कर मेरे पास ही आ, सामने हमको दिख मिलेगा एक सितार, सितार को हम बजाएंगे और देखेंगे ये रहा सितार, सितार की क्वालिटी चेक करेंगे क्या ये लकड़ा है, ये क्या है लकड़ा, लकड़ा है देख सकते हो, उसकी स्ट्रिंग्स वाइब्रेट हो रही है सही में, हवा से क्रिएट हो रही है अंदर से, बहुत बड़ा सितार लोग सही में ही बना दिए। और इधर ये बेचारे घास लोग की जगहों में से मैं आ रहा हूँ, फूल ही फूल, मस्त फूल। और इधर हम लोग आ चुके हैं इधर सीट से काफी ज्यादा लकड़ी की, इधर सीट्स बना रखे लोगों ने, गरम है बहुत सीट। आ जा रियान इसके ऊपर, और इधर देखो इधर मेरा सर ही टकरा रहा है इसके ऊपर, सही में छोटे बच्चों के लिए ये, मेरे मेरा भी है वही तो बोल रहा हूँ मैं, छोटे बच्चों का ही है, फिर भी बहुत सारे लोग अंदर घुस रहे हैं। कौन सा YouTube चैनल है,
इसका बिग बॉय व्लॉग्स है, मेरा ऑफिशियल स्क्वाड बॉयज है। ऑफिशियल स्क्वाड बॉयज सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, करूंगा। अच्छा, ये क्या है? खंडाला टनल से बना रखा है घर सोने का अपना। अरे इधर यहाँ से उधर चढ़ते हैं, यहाँ से मैं उतर रहा हूँ। अभी मैं अभी स्केटबोर्ड चलाने वाला हूँ, तो आप लोग सीधा भी देख लो मैं किस तरह से चलाता हूँ। ये गिर गया पहले टाइम पे, सेकेंड अटेम्प्ट। ये सेकेंड अटेम्प्ट भी खराब, थर्ड अटेम्प्ट करते हुए इसके अंदर भी टेढ़ा मेढ़ा होते हुए लेकिन परफेक्ट रन हुआ है। और ये स्केट बॉडी फोड़ दिए। व्लॉग बना रहा है? यस माय बॉय। अबे मेरा रियान को अपना व्लॉग बनाना, स्केट बोर्ड कैसे मैंने अभी बनाया, तो इसलिए अभी फोन मांग रहा है। उसका फोन अभी लेके उसे दे देते हैं। और क्यों आ गया? हाँ, आया क्यों वापस? इधर चलाएगा? और हम एक गूंजने वाली जगह पे वापस आ चुके हैं, हमारी आवाज गूंज जा रही है। पता नहीं इनको क्या हो रहा है। मैं भी इधर जाऊंगा गिटार किधर, और ये देखो आप गिटार, इतना बड़ा गिटार है। मेरा हाथ देख लो सामने, इतना बड़ा गिटार है। अच्छा ये रॉड देख लो, ये पेड़ के साथ आप मुकाबला इसका लगा सकते हो। ये रहा एक पेड़ और ये रहा इतना बड़ा गिटार, तो अब इसका आप समझ सकते हो कितना बड़ा सा साइज है। ये स्ट्रिंग ही मेरे ख्याल से हिलते रहे, टिडिंग आवाज तो नहीं आ रही है, बट जो स्ट्रिंग से वो हिल रहे अच्छे से। स्ट्रिंग हिलते गिटार के जो स्ट्रिंग से नहीं जलाओ। ये इसका चैनल या सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, बिग बॉय व्लॉग्स, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उधर से चाहिए तो इसके चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आप नई चीज को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये हमारा है जक्की, जो कि पुली का काम कर रहा है फिलहाल, हमारा स्केटबोर्ड उठा रहा है, हेडफोन उठा रहा है। तो वापस, अरे नहीं मिल जाएगा वापस, खुद के वापस आ जाऊंगा मैं। फाउंटेन है काफी गहरा है, अंदर चले गए हम एक बार, बाहर आना बहुत मुश्किल है। कोई सीढ़ी वीढ़ी नहीं है इसके अंदर, स्विमिंग पूल नहीं है, फाउंटेन नहीं है। तो चुके और थक चुके हैं, और ये देखो लकड़ी से देखो कितना मस्त बना रखा है बैठने की जगह। ये पता नहीं क्या है, लोगों को शायद से ये फिट करना है। ये चार कुर्सी इधर जमीन में जाएंगे तब जाकर ये फिट होएगा। ये बिल्डिंग हर हमेशा डाइट करती है, कभी कोई ऑयली फूड नहीं खाती है। और ये एक बिल्डिंग रही, ये बहुत ज़्यादा खाना खाती है इसलिए काफ़ी ज़्यादा मोटी है। और यहाँ पर दूसरी बिल्डिंग्स है, बिल्डिंगों में घिरा हुआ ये एरिया, देखो दूसरे एरिया पहाड़। हम लोग भी इधर आ रहे निकल, अरे हाँ मैं अपना फेस ही नहीं दिखा रहा, पीछे का पूरा सामान दिखा रहा, अभी आ रहा मेरा फेस। कैसा लगा दोस्तों? कौवे और कबूतर हर जगह मिल जाएंगे आपको, ऐसी कोई जगह जो कौवे कबूतर। ये रहा हमारा फैमिली झूला, इसके अंदर बैठेंगे। इधर अच्छा भी है भाई, छांव आ रही इधर, मुंबई में तो काफी ज्यादा धूप है। और ये बेचारे स्केटबोर्ड घसीटते घसीटते ले आ रहे हैं हमारे पुली साहब। ए टूट जाएगा, ये बोलेगा पैसा भर। हाँ ये रहा कोकिला बेन अंबानी हॉस्पिटल, कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, देखते आप देख सकते हो। गाइस आप लोग ये बर्ड्स लोगों के लिए देखो कैसे कैसा सदर पूरा बना रखा है बर्ड लोगों के लिए। ये वाला इसके अंदर एक टाइप की बर्ड होती है जो कि रहती है, उसका मेरे को नाम पता नहीं है, पता होता तो पता होता। हाँ वो बर्ड्स ने बनाया, पता नहीं लोग ने बनाया, मेरे ख्याल से लोग नहीं बनाया रहेगा ये, लेकिन वो बर्ड भी फैमिली में रहती है, वो ऐसा बनाती हो इनकी। अभी भी लोग रहे खत्म नहीं हो रहे। और गाइस अभी हमारा घर जाने का टाइम हो चुका है, सीधा हम अभी घर के लिए निकलते हैं। आपको पता नहीं मैं आपको वीडियो बीच की वीडियो दिखा पाऊंगा कि नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं दिखा पाऊंगा,
इसलिए तब तक के लिए गुड बाय। इसी तरह के अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जैसे कि आपको पता है बिग बॉयज ब्लॉग का जो चैनल है इधर आ रहा रहेगा, आपको एंड स्क्रीन में पसंद जाएगा वो, और ऑफिशियल स्क्वाड बॉयज को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना इस वीडियो को, लाइक कर देना, और हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। मज़ा आ गया आज तो, बाय बाय गार्डन। साइकिल खोल लो, चलो। पता नहीं किधर गया वो, हॉन्टेड हाउस के ऊपर ही हम एक वीडियो बनाएंगे। ये रहा वो हाउस, हॉन्टेड है ये तो, इसके अंदर सही में शैतान है। बीएमसी वालों ने उसके ऊपर बोर्ड भी लगाया है कि मतलब यहाँ पे आना अलाउड नहीं है, और दिस प्रॉपर्टीज अंडर द गवर्नमेंट, ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट सिविलाइजेशन के हाथ में है, इसलिए आप अंदर आने की गलती ना करना। While I was in the mall, walking around at you right now, I ain't tryna tell you what to do, we're trying